हेलो, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर 4 एडमिशंस ऑफ ए पार्टनर के एक टॉपिक करने वाले हैं, जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। कि जब भी नया पार्टनर आता है फॉर्म में, तब जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, यदि उनके बुक्स में ये सारे रिजर्व हो गए या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गए या फिर लॉस हो गए, ये सब यदि शो किए हुए हों, तब उन सबको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे लेखांकन किया जाएगा उनका, क्या हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। पुराने पार्टनर्स के बैलेंस शीट में पहले से ही रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस या फिर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी फंड हो, तब उन सबको ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड होता है। क्योंकि ये जब नए पार्टनर आता है उससे पहले का प्रॉफिट और लॉस होता है, इसलिए हम इन सबको ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटेंगे, और वो भी उनके ओल्ड रेशियो में, जो उनके पहले का लाभ विभाजन अनुपात था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग केसेस हो सकते हैं। पहला जो है, यदि हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व में जैसे जनरल रिजर्व हो गए, अब उनके ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटेंगे हम, तो जो पार्टनर्स का जो होगा कैपिटल बढ़ जाता है इससे। यदि ये प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व है, तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे ओल्ड पार्टनर का जो करंट या कैपिटल अकाउंट होगा वो बढ़ेगा। इसलिए और जब भी किसी पार्टनर्स का कैपिटल उनका बढ़ रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम। इसी वजह से जनरल रिजर्व जो है डेबिट कर देंगे हम, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर रिजर्व फंड हो गए, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस लिख दिया हूँ, क्रेडिट बैलेंस टू ओल्ड पार्टनर। कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर करेंगे, जब उनके कैपिटल उनका फिक्स्ड हो, और ये जो ट्रांसफर करेंगे हम, ये उनके ओल्ड रेशियो में करना है, इन ओल्ड रेशियो। दूसरा सिचुएशन, यदि लॉस होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉस, अब लॉस के कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो उनका कैपिटल जो होगा वो कम होगा, इसलिए उसे हम डेबिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस होगा, या फिर डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे भी हम ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर करेंगे। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, या फिर एडवर्टाइजमेंट, ये सारे आते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तीसरा तो हो सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ अ स्पेसिफिक फंड,
देखिए फर्म जो है कभी कभार स्पेसिफिक फंड बनाती है ताकि भविष्य में जो भी उसे लायबिलिटी हो, दायित्व हो, उसे पूरा किया जा सके। तो ऐसे में जैसे हमारे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो जाएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो जाएंगे, तो इन सबको क्या करेंगे हम डेबिट कर देंगे क्योंकि सरप्लस का है। तो इसके जो हम एंट्री बनाएंगे वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, दूसरा जो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इनका ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर करेंगे हम। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होता है इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारे वर्कर होते हैं उन्हें कोई क्षति होती है तो उस क्षति को पूरा किया जा सके। इसी प्रकार जो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसलिए बनाया जाता है जो भी फर्म जो होती है इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट करने के कारण उनकी वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो मार्केट की वैल्यू होती है और बुक वैल्यू होती है वो डिफरेंस हो जाती है, जिसके वजह से फर्म को लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उसी लॉस को कवर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं। तो ये सारे हैं जो हम रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की ट्रीटमेंट है, ये सब हमें करना होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।